सर एक मिनट, सर आप यहाँ? अरे बेटा तुम हो कौन और ये क्या कर रही हो बेटा? सर मैं पूजा झा, याद कीजिए ना। पूजा, अब ये अंकल कौन है और तुम इनके पैर क्यों छू रही हो? सोरा मैंने तुझे बताया था ना विशेष सर के बारे में, जिनकी मैं हमेशा बहुत तारीफ करती हूँ, उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। ओ अच्छा, ये वो सर है। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा पूजा तुम इनसे बातें करो, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं वहीं मिलूंगी। बाय। ठीक है, बाय। सर कैसे आप इतने सालों बाद? सर प्लीज़ याद कीजिए ना, 12th क्लास आपने मुझे पढ़ाया था, उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, आपने मुझे पूरे साल फ्री में पढ़ाया था, वो भी इतने अच्छे से। अच्छा याद आ गया। पूजा बेटा कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ सर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद आपको देखकर। मैं आपके घर पे भी गई थी पर आप वहाँ थे नहीं, शायद आपने घर बदल लिया। आप यहाँ क्या कर रहे? वहाँ बैठ के चाय पीते ना, वहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, चलिए। अच्छा बेटा। अरे छोड़िए ना ये सब, चलिए। और पूजा बहुत दिनों में मिली हो, और तुमको जब पढ़ाया था ना तब छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, अब आजकल क्या कर रही हो? सर आपको बताया तो था मैंने, मुझे एक्टिंग का कितना शौक है, बस उसी शौक को आगे बढ़ाते हुए मैंने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। अरे वाह वाह, ये कहाँ खोला है? सर अपना वही नोएडा सेक्टर 99 के पास। अच्छा। सर आज मैं जिस भी मुकाम पर पहुँची हूँ ना, सिर्फ आपकी बदौलत। अगर उस टाइम आपने मुझे इतनी सीख नहीं दी होती, मेरा साथ नहीं दिया होता ना, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नहीं बेटा, मैं तो एक जरिया मात्र था, पर ये सब जो हुआ है ना वो तुम्हारी मेहनत और लगन से हुआ है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी एक स्टूडेंट इतनी काबिल बन गई हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की मालिक। आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जिन हाथों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस इंसान ने मुझे इतनी अच्छी सीख दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, आज वो हाथ ये साफ सफाई का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है सर? आप तो इतने अच्छे अध्यापक थे ना, फिर क्या क्यों जरूरत पड़ी आपको ये काम करने की? अब बेटा काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं सर आपको कमाने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक मुझे याद है आपके दो बेटे थे ना, और आज तो वो भी बड़े हो गए होंगे। हाँ दो बेटे, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर बन गया है। अरे वाह, फिर तो अच्छा कमाते भी होंगे, फिर क्यों आप ये सब कर रहे हैं? बहुत अच्छा कमाते हैं, और जो बेटा इंजीनियर है ना वो विदेश में रहता है, और जो डॉक्टर है वो तो इसी शहर में रहता है, बहुत बड़े बंगले में रहता है, और 50 लाख की तो गाड़ी में घूमता है। पर उनके पास मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बूढ़ा जो हो गया, अब मेरी उनको कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज आप शांत हो जाइए। मुझे घर से निकाल दिया है। आज वो लोग आप ही की वजह से वहां तक पहुंचे हैं ना, फिर ऐसे कैसे वो आपको निकाल सकते हैं? आप एक काम कीजिए ना, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दीजिए, गुजारा भट्टा का केस कर सकते हैं आप, फिर जो भी आपका है सब आपके नाम हो जाएगा वापस। बेटा मैंने जो भी किया अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किया, अपनी मर्जी से किया, और मैं यदि अपने बेटों पर केस करके कुछ ले भी लूँगा तो क्या करूँगा? अदालत में केस करके अपने बच्चों से माँ बाप को सम्मान नहीं मांगा जा सकता। सर, सर, प्लीज शांत हो जाइए। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? हाँ बेटा। तो बस ठीक है, मेरे प्रोडक्शन हाउस में एक मैनेजर की आवश्यकता है, और मैं चाहती हूँ कि वो पोस्ट आप संभाले, आपसे बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता।
बेटा, एक तुम हो जो मेरे बारे में इतना सोच रही हो, एक वो मेरे बेटे जिन्होंने मुझे बुढ़ापे में इस हाल में छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। तुम खूब तरक्की करो, मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। आपको तो पता है ना, बचपन में मेरे सर से माता पिता का साया उठ गया था। उस टाइम आप ही मेरे सहारा बने थे, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज देखिए ना, मुझे फिर से आपके रूप में माता पिता मिल गए हैं। मुझे और क्या चाहिए सर? और आप ना आज से ये काम छोड़ रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे, रहेंगे और मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम करेंगे। ठीक। अच्छा, चाय तो पीजिए।